एलनाबाद हल्का के गांव में 48 डिग्री तापमान में भी समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल का गर्मजोशी से स्वागत। तंवर की जीत का ग्रामीण दे रहे हैं आशीर्वाद। एलनाबाद हल्का के गांव-गांव में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्का के गांव में समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल के विचार सुनने के लिए लोगों की भीड़ तपती दोपहर में भी पहुंचती है। शनिवार को 48 डिग्री तापमान में भी कप्तान मीनू बेनीवाल का गाँव के अंदर फूल माला डालकर व फूलों की बरसात कर स्वागत किया गया। इसी के साथ हल्का के गांव में लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को चुनाव में जीत दिलाने का आशीर्वाद भी दिया। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने एलनाबाद हल्के के दर्जन भर गांव में शनिवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने शनिवार को गांव मानक दीवान, रूपाना खुर्द, रंधावा, रूपावास, लुदेसर, जोड़किया, कुताना और राजपुरा साहनी गांवों का दौरा किया। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। उन्होंने दोहराया कि डॉक्टर तंवर की जीत से ही बीजेपी 400 पार के नारे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म हो गया है और अब गरीब और आम परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले गांव के बड़े आदमी या राजनीति में पैठ रखने वालों को नौकरी के लिए पर्ची देनी पड़ती थी, लेकिन वो खुद के रिश्तेदारों और बच्चों को नौकरी की पर्ची आगे बढ़ाते थे। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश को बड़ी ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन इस बात का गवाह बन रहा है कि सिरसा से कमल का बटन दबेगा, उधर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत सरकार के लिए नरेंद्र मोदी का ही प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, क्योंकि इन 10 सालों में भारत जहां अर्थव्यवस्था के मामले में कहीं बेहतर हुआ है, तो वहीं आने वाले 5 साल देश को नई दिशा भी प्रधानमंत्री मोदी ही देंगे। इस अवसर पर जिला पार्षद नंदलाल बेनीवाल, पंचायत समिति के चेयरमैन सूरजभान बुमरा, वाइस चेयरमैन मांगेराम पुनिया, निहाल सिंह कालवा, रंजीत बाना, राकेश कुमार, पूर्व विनोद कुमार, पंचायत समिति सदस्य रोहतास कुमार, मास्टर निहाल सिंह, राजेंद्र कुमार, बुधराम जेवलिया, निहाल सिंह, राजेंद्र रूपावास मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।